तो आज मेरे पास स्विफ्ट डिज़ायर और डीजल इंजन है। मेरे पास आई ये गाड़ी जो है नॉट स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग कंडीशन में नहीं थी गाड़ी। तो इसका हम लोग ने पहला कंप्रेसर टेस्ट किया तो बिल्कुल कंप्रेसर ही नहीं बन रहा था। फिर बाद में जो है हम लोग को मालूम पड़ा कि इसका जो है कैम जो है वो टूट गया है। सो ये देखिए, ये है कैम, ये कैम शाफ्ट जो है ये टूट गया है, इसकी वजह से जो है गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सो गाइस, तो इसको जो है इसको हम लोग ने शॉर्टकट तरीके से खोला है, क्योंकि ये खोलने के लिए पूरा ये टाइमिंग चैम्बर, ये टाइमिंग कवर, उसके बाद अपना ऑयल सम सब खोलना पड़ता था, माउंटिंग खोलना पड़ता था। हम लोग ने क्या किया, इधर से क्रैंक को लॉक करके इधर से बोल्ट खोल के 18 mm का सॉकेट खोल, सॉकेट से खोल के उसके बाद हम लोग ने कैम के साथ में जो है पूरा पूरा हम लोग ने निकाल लिया है। सो अब जो है गाड़ी में है, इसको दूसरा कैम डाल के देखेंगे, बाहरी चालू करके देखेंगे, अगर अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर फुल इंजन का काम होगा। सो गाइस, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।